साथियों जहरी आवाज आपके बीच में लाइव होने का विशेष महत्वपूर्ण विषय था। वो पहला है कि हम लोग पूरे देश के मछुआरों या देश के जो उपेक्षित मछुआ समुदाय के साथ इन कम्युनिटीज है वो अगले जो यथा संभव होगा प्रयास करें जिस तरीके से जैसे वो क्षेत्र आपने व्यवसाय के क्षेत्र में मछली पालन में आना चाहता है तो उसकी जानकारी लिए उसमें कोई समस्या आता है उसमें जानकारी लिए और अन्य अन्य प्रकार के होंगे वो इसके डिटेल जो होगा वो हम लोग 7 तारीख तो 7 तारीख विशेष दिन है सबको मालूम है विशेष दिन वो इसलिए है उस दिन आपके अधिकार तो आरक्षण के थे। उस दिन हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे थे और उसमें आपने देखा होगा कि कौन कौन सी पार्टियाँ किस तरीके से आपको आपके आरक्षण के विरोध में सामने आए थे और आपके इस प्रयास को किस तरीके से उन्होंने ठेस पहुँचाया था और कैसे हमें जेल जाना पड़ा था कैसे हमारे लोगों को तमाम साथियों को जेल जाना पड़ा कैसे हमारे महिलाओं को बच्चों का अत्याचार हुआ था सबको पता है। और उस 7 तारीख को हम लोग एक आरक्षण आंदोलन दिवस राष्ट्रीय आरक्षण आंदोलन दिवस के रूप में मनाते हैं वो हर वर्ष है उसे याद रखते हैं कि हमारा एक ये आरक्षण का मतलब होता है कि मजबूत घोड़ा और एक कमजोर घोड़ा है दोनों को भोजन अगर एक जगह रखा जाएगा तो मजबूत वाला सब खा जाएगा और कमजोर वाला कमजोर होता जाएगा। इसकी वजह से संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था दी गई कि वो मजबूत वाला घोड़े को अवसर अलग होगा और कमजोर वाले को अवसर दिया जाए जिससे कि वो भी संविधान के कानून के मुताबिक आरक्षण के माध्यम से विकास के निर्माण में जा सके उसी में हम न्याय और सुरक्षा और विकास और शिक्षा सब दे सकें रोटी कपड़ा मकान मान सम्मान सब उसके लिए हम लोग हर साल 10 तारीख को 7 तारीख को उसको हम आंदोलन विशेष तरह हम सभी साथियों से उम्मीद रखते हैं कि ये 7 तारीख हमारा दिन का है ऐतिहासिक दिन है और हम सभी मीडिया बंधुओं से धन्यवाद दूंगा बधाई दूंगा कि तक का उनका सहयोग प्यार और स्नेह मिलता है और 7 तारीख जहाँ जहाँ हमारे कार्यक्रम होंगे वो समय आने पर हम जल्दी करेंगे और समय आने पर सबको पता है कि किस जगह पर हम लोग कहाँ इसको लोग हम दिवस मनाएंगे आरक्षण आरक्षण दिवस है वो हम कहाँ कहाँ मनाएंगे उसे तो दूसरे हम कुछ सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे वो स्थान सबको पता चले और साप्ताहिक विशेष रूप में उस दिन हम लोग काम करेंगे वीडियो बंधु से उम्मीद है कि उसे जहाँ जहाँ भी होगा उसे उसे कवरेज करेंगे और उसे जितने भी हमारे इस हमारे नेटवर्क में सोशल जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे भी इसमें जुड़े हुए सहयोगी हैं जो कार्यकर्ता हैं जो ट्रेंड हैं और जो ट्रेंड होने के लिए आगे आए हुए हैं सभी का है कि 7 तारीख को और 7 को ऐतिहासिक रूप से हमारे एक तरीके से निषाद पार्टी 9 साल हो गए और 10वें प्रेस किया तो 9 साल बेमिसाल एक तरीके से हम एनडीए के साथ हैं उनका भी 9 साल बेमिसाल है और आज के दिन में हमने 9 साल में क्या प्राप्त किया है उसके लिए भी कम से कम आपने क्या किया है क्या आपने सरकार से लड़के लिया है आपको सबको मालूम है कि जो देश आज़ादी में कितने लोगों ने कुर्बानी दी है लगभग 100 साल तक देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई उसमें तमाम ऐसे लोग हुए कुर्बान हुए तमाम सरदार भगत सिंह हुए तमाम चंद्रशेखर आज़ाद हुए कुर्बानी हुई है लेकिन संघर्ष जारी रहा तो आज़ादी मिली थी उसी तरीके से हमें भी अपने संघर्ष को अगर 100 साल में हम आज़ादी ले सकते हैं और 1370 और जो हमने देश था अपना मंदिर बना सकते हैं तो इसी तरह से ऐसा आरक्षण के मुद्दे को हम प्रयास है कि आपने सड़क पर जो हम जो अकाल करते थे आप इस लायक हमें बनाए उसी आंदोलन के दिन 7 तारीख का कि आज हम यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हम कैबिनेट में बनाकर आपके लिए जो इस 9 सालों के अंदर हमने जो कानून बनाया उसके लिए भी हमने दादी ने ऑपरेशन किया है अभी आज होटल खुला हुआ है डिपार्टमेंट में लाइक बनाकर आपके आरक्षण के मुद्दे को हमने प्रधानमंत्री के गृह मंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के टेबल पर पहुँचाकर आपका मैं शिक्षा सेवक वकील हूँ और निश्चित रूप से जो मैं वादा किया हूँ उसके लिए प्रयास करूँगा और संघर्ष करता रहूँगा और आपका साथ और सहयोग जिसने भी प्रयास किया है जिसने अपने नेता का साथ दिया है
जो अपने पार्टी को खड़ा किया, अपने टोपी और झंडे पर विश्वास किया, अपने नेता और अपने विचारधारा पर विश्वास किया, निश्चित रूप से गांधी को सफलता मिली है। हम उसी तरफ कसम खा रहे हैं कि क्योंकि हम मिसाल राज महाराज के वंशज हैं और उन्होंने एक ऐसी लकीर खींची थी त्रेता में कि भगवान राम और मिसाल राज एक मिले थे, तो एक दुख का जो राज था उसे सुख के राज में बदला था। तो हम लोग भी इस प्रयास में हैं कि राजनीति की इस कलम से, राजनीति की इस व्यवस्था से हम लोग इस निर्मल इमेज को सिर्फ हमारा आमदन निर्भर को सरल बनाना है। और जो निषाद पार्टी विशेषकर विश्वास बनना है, सबने 70 साल से कानून बनाकर या उन्हें पॉलिसी बनाकर उनके साथ धोखा दिया, तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि मिले और उसके लिए 7 तारीख हमेशा याद रखना, 7 जून को समय पर हम लोग उसको टाइम करेंगे, काम कैसे होगा उसको आपको संपर्क में रहें और तैयारी करें। और उसके लिए आप इंतजार करें कि आपके पास से पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के विसर्जन कमिटीज के लोग हैं, किसी कोने में रहें, उन्हें अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी समस्या हमारे साथ कनेक्ट होंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग सिस्टम से हम लोग उसकी समस्याओं के समाधान के साथ प्रयास करते रहेंगे। आज विशेष रूप से इन्हीं बातों पर चर्चा करना था और बस इतना ही करना था कि बस याद रखना पुनः आप लोगों को इसमें कि पहला हमारा था कि हम 24 तारीख को आपकी सेवा के लिए करूँगे और एक विशेष बड़ा होगा वो 7 तारीख को बताया जाएगा। दूसरा हमारा जो आरक्षण दिवस है और उसको हम लोगों ने किया। तीसरा हम लोगों ने जो अब तक 9 साल भी मिसाल निशाद पार्टी का है, मोदी जी का 9 साल भी मिसाल है, एनडीए के साथ है, एनडीए का 9 साल भी मिसाल है। तो आज के दिन हमें एक साथ रहकर हमें इस निशाद पार्टी ने लड़ाई लड़कर बता दी कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको हम बाहर आएंगे। प्लस हम लोग इसको सभी लोग उसमें जुड़े हुए जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी के लिए हैं उन्हें उनको हम इकट्ठा करके इस बात को हम लोग आभार प्रकट करेंगे और उनका सहयोग और हमेशा सब उनकी अपेक्षा। धन्यवाद।